हेलो व्यूवर्स, इंडिया नाउ में आप सबका स्वागत है। आपका इस्तकबाल करता हूं इस चैनल में। आजकल जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक फैला हुआ है, इस वबा की वजह से दुनिया भर में लोग परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, घबराए हुए हैं। ये जो दहशत फैली हुई है, इसमें लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है, ना गवर्नमेंट्स को समझ में आ रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लॉकडाउन करके वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। तो ये सब चल रहा है, हर न्यूज़ चैनल में चल रहा है, हर अखबार में चल रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, चल तो रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इसको कैसे देखा जाए। तो आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए जनाब हबीबुल्ला खान साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो जनरल स्टेट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, इनको हम लोगों ने बुलाया है स्टूडियो में इस डिस्कस करने के लिए। ये एक एमिनेंट पर्सनालिटी है, एक बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिकली अवेयर शख्सियत है। तो इनके नज़रिए से और पॉलिटिकल एंगल से ये वबा को कैसा देखा जाए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई वेलकम यू हबीबुल्ला साहब। थैंक यू, इस्तकबाल है आपका इस स्टूडियो में। शुक्रिया। तो आपको आपको कैसे लगता है ये सब जो हो रहा है, ये बार बार रिपीट करने से कुछ फायदा नहीं है? सब लोगों को मालूम है कि कोरोना क्या है, पैंडेमिक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर एक तबका जो है इस पे बहुत चुप है, जो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकली आप ये इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नज़रिए से ये कैसे देखा जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इसमें ताउन रहा है? एक तो देखिए, एक गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है जो कर रही है वो कर रही है, और एक ऑपोजिशन है, तो मतलब जो हर समय जो हर वक्त जो इनका जो झगड़ा रहता है वो तो चल ही रहा है कि ये सही कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, मगर बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं? जैसे आपकी पार्टी हो, आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें। कोरोना वायरस की बात की आपने जी, एक बीमारी, एक वबा फैली हुई है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको फाइट आउट करना, क्या करना है, 1 2 3 फदरा तरीका है। सबसे पहले मेडिकली उसको कैसे ये बीमारी फैलने से रोका जाए, क्योंकि इलाज तो नहीं है अभी फिलहाल, इलाज अभी सोल्यूशन उसका नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो द सेकेंड सोल्यूशन इज रोका कैसे जाए, ये फर्दर एक्सपैंड होने से, दूसरे लोगों को फैलने से कैसे रोके हम। उसमें नंबर वन क्वारंटाइन करे जाए, फिर या सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, फिर वो ये ट्रीट करने के लिए अलग हॉस्पिटल्स बनाए जाए, फौरन टेम्पररी हॉस्पिटल जैसा चाइना ने बनाया, वो हॉस्पिटल्स बनाना है, मेडिकल इक्विपमेंट्स देना है, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लाना है, फिर मेडिकल स्टाफ को उनकी सेफ्टी के लिए, डॉक्टर्स और उनके पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ को बचाने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारे चीज़ें हैं जो करना चाहिए। अब सवाल है कि कौन करेगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल हुआ इन एनी कंट्री? तो जवाब ये है कि उस मुल्क का जो हुकुमरान पार्टी होती है, जिसको आपने वोट पब्लिक वोट डाल के दिया हुआ है, और आपका पूरा पैसा उसके पास है, पैसा आपका उसके पास है, हुकुमरान पार्टी के पास, उसके पास पावर है, पुलिस है और इंटेलिजेंसी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री ओवर बटन उनके पास है, उसके कंट्रोल में आपने दिया हुआ है, हम सबका पैसा उनके पास है। तो पहली जिम्मेदारी, पहला फर्ज उस वक्त के हुकुमरान पार्टी का होता है, ठीक है। अब रहा हुकुमरान पार्टी कर रही है नहीं कर रही है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल अदर इंटेलेक्चुअल्स, जो दूसरे लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, दूसरे पोलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टी, इट इज़ फॉर देम टू फाइंड आउट वेयर दे आर डूइंग मिस्टेक, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आइडेंटिफाई किया जाए, फिर वो उसके सामने हाईलाइट किया जाए और उसको प्रेशराइज किया जाए करें, मगर प्रेशराइज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसके सामने लेके बता सकते हैं, मगर जबरदस्ती गन पॉइंट पे तो कुछ कर नहीं सकते। कोरोना वायरस की जो जंग है, इसमें गवर्नमेंट जो कर रही है, जैसे मैंने कहा वो कर रही है, मगर क्या पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार इलेक्शन होने के बाद सब चीज जो भी रूलिंग पार्टी है उस पे डाल के छोड़ देना चाहिए, या ऐसे वक्त पे, ये ग्लोबल इमरजेंसी के वक्त पे अपने से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए? जी, आपने जो कहा है कि दूसरे पार्टीज क्या करने चाहिए, नंबर वन मैंने जैसा कहा कि ये कई लाख लोगों का हिस्सा है, 5-10 हज़ार का नहीं है, एनजीओ करोड़ों में है, ये आई हैव गॉट माइग्रेंट लेबर्स का लिस्ट है मेरे पास, अबाउट 46 करोड़ लेबर्स हैं, देखिए यहाँ पर 43.5 करोड़ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज जो हेक्टर है हमारा, जिनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी लॉ, काय काम करके चले गए। अब विधानसभा बेंगलुरु का सब शान से दिखाते हैं, चीफ मिनिस्टर बैठ के वहाँ भाषण दे रहा है, तो विधानसभा बनाए कौन, इट इज दोज वर्कर्स, मजदूर बनाए, पार्लियामेंटर्स कौन बनाया है, प्राइम मिनिस्टर बैठ के वहाँ जो करता है वो मजदूर बनाए,
वैसे मजदूर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मिला के 43.5 करोड़ है पूरे इंडिया में। बहुत बड़ा नंबर है। It is not a small amount. It's almost the 35 to 40% of the population of the whole country. मगर वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, डे नाइट लगाते हैं, माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट को आते हैं, फैमिली छोड़ के सारे खबरें देने के बाद जब ये ऐसा क्राइसिस आता है तो फिर उनका, उनकी फैमिली का और उनके हेल्थ का कौन टेक करे, एक सवाल होता है, बड़ा सवाल है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद को 43 करोड़ स्कूल एनजीओस नहीं कर सकते। आप मई करें छोटे इदारे 5,000-10,000 लोग कर रहे हैं, आप बेंगलुरु में देख रहे हैं। यू कैन नॉट प्रोवाइड फूड मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल द 43 करोड़। मगर गवर्नमेंट उसमें मेजर तो गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट जहां कर रही, अगर नहीं करी तो फर्स्ट गवर्नमेंट का अटेंशन दिलाना उसके, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा है। 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारे, जीडीपी इंडिया का जो है 2.6 ट्रिलियन डॉलर है हमारे पास, 200 लाख करोड़ रुपीस है। सुनिए, तो पैसा वहां पर है ना, पैसा गवर्नमेंट के पास है हमारा सबका, वो गरीब का भी पैसा है जो टैक्स बनाया उन्हें उसका भी है। जीडीपी फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दे जीडीपी की, तो 22 लाख करोड़ सॉरी इसका जीएसटी की बात करूं, सॉरी जीएसटी का जो है 22 लाख करोड़ कलेक्शन होता है इंडिया में एक साल का, 22 लाख करोड़ कलेक्शन होता है। उसमें से इसका 50.6% यानी हाफ ऑफ द इनकम इज जनरेटेड बाय दिस लेबर क्लास। ये जो मैं आपको बताया 43.5 करोड़ इंडिया के जो लोग हैं उसमें कंस्ट्रक्शन लेबर भी हैं, एग्रीकल्चर लेबर 24 करोड़ तो एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा हमारा पेशा है ना पूरे इंडिया का। उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये चारों के मिलाकर 43 करोड़ जो लोग हैं यही लोग जो इंडिया को चलाते हैं, इकोनॉमी इंजन की तरफ से चलती है। आप थोड़ी बिल्डिंग बनाते, सीमेंट आप उठाते, ग्रास रूट से वही लोग करते हैं। मगर उनसे आपने काम ले लिया, करेपा के जैसे इस्तेमाल किया सालन बनाने के, जब आपका सालन बन गया तो करेपा को उठा के फेंक दिए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, द गवर्नमेंट हैज डिसओन्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लॉट ऑफ इज डूइंग, आपके वॉलंटियर्स को लगाइए, पॉलिटिकल पार्टी आपके तरफ से जो हो सकता है मोहल्ले में कीजिए, इन्वॉल्व अदर पीपल। और वो हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ मंगलोर वॉज कन्वर्टेड इन टू क्वारंटाइन, ये क्या है कोविड हॉस्पिटल पर हो तो फिर दूसरे पेशेंट को दूसरे को शिफ्ट करना था तो हमारे वॉलंटियर्स कार में ले जाके पेशेंट को शिफ्ट करे। फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन, दे आर शॉर्ट ऑफ ब्लड, ब्लड बैंक में ब्लड शॉर्टेज था तो हमारे वॉलंटियर्स 35 यूनिट्स, मेरे पास रिपोर्ट है पूरा, यहाँ 35 यूनिट्स ब्लड डोनेशन हमारे वॉलंटियर्स ने दिया हुआ है मंगलोर के अंदर। मैं इस महीने की बात करूँ, पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ। गुलबर्गे में तो वहाँ ये जो गार्बेज लेके जाते हैं गाड़ी, गार्बेज की जो व्हीकल, दे आर गोइंग ओपन, तो हमारे वहाँ के मुबीन, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलबर्ग के, ही टुक अप दिस इश्यू, ही सेड नो दिस इज ऑलरेडी वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस कॉर्नर, यू कांट गो ओपन। तो मेमोरेंडम लेके एक टीम लेके डीसी के पास गए, बीबीएमपी में गए, वो फिर बाकायदा उसको कॉल करवाया। आई मीन इस तरह के छोटे छोटे काम है ये। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पे आए हमारे स्टूडियो में और आपने थोड़ा खुलासा करने की कोशिश की, जजाकल्ला। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट फाइनली करूँगा हमारे लोगों से जो लोग देख रहे हैं उनको, कि देखिए मुश्किल आते हैं हर एक मुल्क में, आते हैं हर एक कौम को आते हैं, मगर जिंदगी कौम वो है जो आंख खोले, अपने आप को असेस करे कि मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, किसने मुझे भेजा है, मेरा काम क्या है, वो याद रखे, उसकी वैल्यू याद रहे, उसका स्टेटस सोसाइटी में मेरा क्या है याद रखे, अपने आप को मजबूर लाचार बेबस लावारिस के सर का ट्रीट ना करे, मुलजिमा क्या वो मुजरिमाना वो जहनीत ना जाए, क्या बोलते जो विक्टिमाइज विक्टिम की मेंटालिटी पर नहीं जाना चाहिए। फेस करो, यस यू आर ह्यूमन बींग, आई एम इक्वल विथ यू, अरे आंख में आंख डालने का बात करके सीखना, बात करके करने का सीखना चाहिए। और ये जो अड़चने आती हैं, मुश्किल आती है, ऐसा से कम तरीके से बाहर आना, तो वो अगर नहीं है तो फिर कौम खत्म हो जाएगी, जलील की निशानी है। मैं एक शेर कहकर मैं ये बात खत्म करूंगा, तुंदे बाद मुखालिफ से ना घबरा आए ख्वाब, अलम इकबाल ने कहा था, मुखालिफ जो हवा आती है उसको अलम इकबाल ने कहा, अपने परिंदे को बोल रहे हैं, वो ख्वाब परिंदे को, ख्वाब परिंदा ऊपर उड़ता है हवा में, तुंदे बाद मुखालिफ से तू ना घबरा आए ख्वाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, व्हेन यू फेस ए डिफिकल्टी टेक इट एज अ चैलेंज, सर पकड़ के रोलक बैठना नहीं, यस ये चैलेंज है मेरे लिए, मैं ओवर कम करूंगा इसको, वी विल क्रॉस दिस हर्डल इंशाल्लाह, वो एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। चलिए, थैंक यू वंस अगेन। तो ये थे हबीबुल्लाह खान साहब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, इन्होंने काफ़ी सारी रोशनी डाली इस मुद्दे पे कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, इनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या होना चाहिए, लोगों को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए।
तो आगे चलते हैं, देखते हैं, दुआ करते हैं कि ये वबा जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो जाए और उसके बाद के आने वाले चैलेंजेस को भी हम लोग फेस करने के लिए मेंटली फिजिकली तैयार हो। और दुआ करते हैं सबसे कि हिंदुस्तान में और सारे आलम में सुकून और अमन रहे और इस चीज़ से निकल जल्द से जल्द इस चीज़ से रिकवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।